ये क्या है? लक्ष्मण जी का क्या बोलते हैं, बेसन। वाओ, थैंक यू। स्पेशल आता गुड़ वाला, वो ला रहा था मैं। सो स्वीट ऑफ यू, सच अ लवली थिंग। वैसे कोई गुड न्यूज़ तो नहीं देने वाले आप लोग? क्यों? तो तू पहले मिठाई ले आया, लगता है डॉक्टर उज्जवल है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अक्षय दिलीप ब्लॉग्स। आई होप आप सब सही होगे, स्वस्थ होगे। आपका स्वागत है फिर से एक नए दिन में। तो प्रथा को कंटिन्यू करते हुए आज भी मैंने एक्सरसाइज कर लिया है। वैसे तो थकान बहुत ज़्यादा थी, सोच रहा था कि एक दिन स्किप कर लेता हूँ, पर एक दिन स्किप करने का मतलब है फिर काफ़ी दिन स्किप होना। तो मैंने वो रूटीन कंटिन्यू रखा, तो आज भी मेरा योगा एक्सरसाइज हो चुका है। और अभी हम लोगों ने जाना है हॉस्पिटल, तो हम सोच रहे हैं कि जल्दी जल्दी से रेडी होके पहले हॉस्पिटल वाला काम निपटा देंगे, फिर अगर टाइम मिला तो आज डे है, आज ग्रूमिंग भी करवा सकते हैं। तो जो भी होगा इस ब्लॉग में मैं आपको आगे आगे बताऊँगा। तो सबसे पहले इस ब्लॉग को मैं शुरू करता हूँ। आप सभी को तारा देवी माता के दर्शन। जय हो तारा देवी माता, सब पे रक्षा बनाए रखना। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सफाई अभियान थोड़ा सा रह गया था। तैयार हो जाओ साथ साथ में ना, हॉस्पिटल जाते पहले। हाँ, आप एक काम करो, आप नहा लो पहले। हाँ, मैं नहा लूंगी। ठीक है, ठीक है जी। आपका योगा एक्सरसाइज हो गया? हाँ जी, बस अभी अभी हो गया। फिर आप ना फ्रेश हो जाओ जल्दी से। ठीक है, तब तक मैं थोड़ा सफाई बची करूंगी। ठीक है, रेडी? हाँ जी, चले। तो अभी चलते हैं क्योंकि डॉक्टर भी 10 बजे के करीब ही आते हैं, तो अभी 10 बजे नहीं है। रिपोर्ट्स तो तीनों की ले गयो ना? हाँ ठीक है, चलो तो तीनों की दिखा देंगे। नेहा की तो लगभग ठीक है। हाँ, पर चलो डॉक्टर से पूछना भी जरूरी होता है, तो हमने सोचा कि चलो दिखा देते हैं। वैसे तो अक्षय और मम्मी की ज्यादा जरूरी है दिखाने, क्योंकि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे इन्हीं की रिपोर्ट्स में था। चलो लो जी, स्वागत है विद न्यू डेंट। क्या डेंट मारा है, पर चलो जान के मारा होगा ताकि यहाँ पे ना लगाए, पर चलो इट्स ओके, क्या कर सकते हैं। हम लोग टेंजिन हॉस्पिटल पहुँच चुके हैं, तो यहाँ मुझे पार्किंग मिली है मेन सड़क पे। तो नेहा को मैंने हॉस्पिटल में अंदर ड्रॉप कर दिया था ताकि वो तब तक देख ले क्या सिस्टम है क्या नहीं है। यहाँ पे तो कहीं पार्किंग है नहीं है, और ये सारी जो पार्किंग है वो स्टाफ और डॉक्टर्स के लिए होती है। पेशेंट्स के लिए होती तो है पर सारी फुल है, तो बाहर लगानी पड़ी। तो अंदर जाके देखता हूँ पर्ची बनी है कि नहीं। तो अपना हॉस्पिटल का काम तो हो चुका है, 50% रह चुका है। जो मेरी रिपोर्ट्स थी उस बेसिस पे फिर से टेस्ट हुआ है। कई बारी रिपोर्ट सही भी नहीं होती है, तो फिर हमने सोचा एक बारी प्रिकॉशनरी फिर से ले लेते, क्योंकि सिर्फ एक आध चीज़ ऊपर नीचे थी, वो भी बहुत ज़्यादा रेंज में, तो वो पॉसिबल हो नहीं सकता है। तो उस डाउट को क्लियर करने के लिए फिर से टेस्ट लिया है। बाजू में दर्द, आज वाले में बाजू में दर्द हुई है, पता है। हॉस्पिटल से हम 50% ही फ्री हो पाए हैं, क्योंकि अक्षय की जो रिपोर्ट्स थी वो कुछ ऊपर नीचे थी, मतलब कुछ चीजें बड़ी हाई थी। तो यहाँ डॉक्टर ने उनको ये बोला कि आप फिर से एक बार टेस्ट करवाओ, तो इनका ब्लड टेस्ट हुआ है। क्योंकि ऐसा होता नहीं है कि एक चीज इतनी बड़ी हो बाकी सारी नॉर्मल हो। हाँ, तो इसलिए चलो कोई नहीं, फिर वो जो रिपोर्ट्स है वो आती है 2 बजे के बाद। तब तक हम लोगों ने सोचा कि थोड़ी ग्रूमिंग करवा लेते हैं, गांव से आया तो बिल्कुल ही। मेरा हाल तो कुछ ज्यादा ही खराब है, तो पर ये है कि यहाँ पे जब अभी ब्लड लिया ना, यहाँ पे बड़ी दर्द हुई, पता है। मतलब वो लेने वाले थोड़े अच्छे नहीं थे। अच्छा, तो दर्द हुई होगी, खड्डा कर दिया। और मम्मी की रिपोर्ट्स ठीक है? हाँ, मम्मी की नहीं है, सिर्फ थोड़ा अक्षय का ऊपर नीचे आया, तो वो अभी 2 बजे के बाद पता चल जाएगा। वो भी अब मेरे को भूख भी लगी है, कुछ खा भी लेते हैं अभी, यहाँ से पहले निकल जाते हैं ना एक बारी। आज तो संजौली पार्किंग भी फुल है, बड़ी मुश्किल से मेरे को पार्किंग मिली है, वेट करना पड़ा। नेहा को मैंने छोड़ दिया था क्योंकि उसको अपने सलून जाना था, तो वो चली गई है, तो मैं भी अपने सलून जाता हूँ। अब बस ये है कि वहाँ पे रश नहीं होना चाहिए, अपॉइंटमेंट मिल जानी चाहिए। तो आप तो बन चुके हो बिल्कुल हीरो। अब बनना ही था, इतने टाइम बाद फिर से बाहर आ जाते हैं ना, तो कटवाने। मेरी किस्मत खराब थी, मेरी अपॉइंटमेंट मुझे नहीं मिल पाई क्योंकि उन्हें सुबह ही कॉल करनी पड़ती है ना। नहीं, अब मैं परसों जाऊंगी सुबह, तो मेरे को 2-3 काम और थे, तो वो मैंने निपटा दिए तब तक। चलो, अगर आप अभी फ्री हो तो वापस चले, कितना टाइम हो गया? रिपोर्ट्स अभी तो है टाइम, कुछ खा लेते हैं साथ में। चलो, आपका अंदाजा वैसे बिल्कुल सही था कि आज बहुत ज्यादा भीड़ होने वाली है यहाँ पे। कॉलेज भी खुल गया ना, बीच है यहाँ पे, एक्चुअली हम लोग घूमते फिरते बड़ी जाई जाते हैं, और लंच टाइम है तो क्राउड तो होगा ही। तो अभी हम लोग चलते हैं, इससे पहले ये ना हो जाए हमारा ऑर्डर बहुत लेट आए। भूख लग रही है, चलो चलो। हम लोग बडीज में आ चुके हैं अंदर, तो हमने सोचा कि बाहर को बैठते हैं क्योंकि इस तरफ को फ्रेश हवा भी चली है। क्यों? हाँ, अंदर थी गया। खाने के लिए क्या चाहिए हमें? ओह माय गॉड, इन भटूरों का साइज देखो आप, है यार, तो हमसे भी बड़े बड़े भटूरे है। इवन अगर मैं हाथ रखूँ तो हाथ से भी बड़ा भटूरा है। तो इंजॉय करते हैं भटूरा। हमें वापस हॉस्पिटल भी जाना है रिपोर्ट्स के लिए, रिपोर्ट्स आ गई, तो जल्दी खा लेते हैं।
तो छोले भटूरे खा के एनर्जी आ गई है। बहुत बड़े थे वो, बहुत देखने में तो लग ही रहे थे, खाने में भी उतने ही हैवी थे। बड़ी मुश्किल से मुझसे तो नहीं खाया गया, मुझसे तो छूट गया थोड़ा सा। फिर मुझे रियलाइज हो रहा था एक ही मंगवाना नहीं, पर चलो ठीक है, सुबह से खाया नहीं था तो एनर्जी आ गई। अब हम जाते हैं हॉस्पिटल वापस, दिखाते हैं अक्षय दिलाई की। वहाँ पे एक हमारे नून भी मिल गए थे, उनका फोन आ गया था कि आपकी रिपोर्ट्स आ गई, आप आ जाओ। बस हमें दिखानी है अब। चलो तो फाइनली 3 बजे हम हॉस्पिटल से फ्री हो गए और अक्षय की रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक है। स्माइल से पता लग रहा होगा, माइनर ऊपर नीचे वो तो चलो हो जाता है। मतलब तो ये है कि जो पहली रिपोर्ट्स आई थी ना, हाँ, वो पता नहीं क्या दिक्कत हुई होगी उसमें, जो आए थे ना वेरिएशंस वो ठीक है, वो तो बहुत ज्यादा था। तो चलो फाइनली फिट हूँ मैं, इस चीज से मेरे को खुशी है। और ऐसा भी है ना कि उस टाइम के बाद हम लोगों ने योगा एक्सरसाइज शुरू कर दी है, तो मे बी शायद थोड़ा बहुत बॉडी चेंजेस हुए होंगे तो रिपोर्ट्स थोड़ी नॉर्मल आ गई होगी। चलो ठीक है, ये टेंशन थी इसीलिए हम गांव से भी आए थे कि ये मतलब थोड़े रिपोर्ट्स हम दिखा दें, और मम्मी की भी। हाँ। तो दोनों की ठीक है, अब कोई इतनी प्रॉब्लम्स कुछ नहीं है अब। और ये है कि मम्मी को बोला है कि एक बारी डॉक्टर विजिट करके एक बारी फिर भी उनसे पर्सनली पूछेंगे कि कहीं कोई दर्द या कुछ वैसे कुछ ऐसी चीजें तो नहीं है, थोड़ी हिस्ट्री लेंगे उनकी। तो वो तो बोला है, फिर देखते हैं उसके लिए मम्मी आते हैं कि नहीं या कैसे टाइम लगता है, क्योंकि बोला तो है। इनफैक्ट मेरे को डॉक्टर ने बोला कि अगर वो पर्सनली आ सकते हैं तो ज्यादा अच्छा है, तभी अगर कुछ है तो कोई दवाइयां भी लगनी है तो फिर हम लगा सकते हैं। अब घर जाके मैं मम्मी को कॉल करती हूँ, क्योंकि वो बार बार बेचारे टेंशन में थे, कॉल कर रहे थे कि मेरी रिपोर्ट ठीक है क्या है। तो मम्मी को यही बोलती हूँ कि अगर हो सकता है तो आप कुछ दिन में शिमला आ जाओ, डॉक्टर को अच्छे से दिखा देते हैं, उसके बाद फिर गांव चले जाएंगे। बिल्कुल, हेल्थ सबसे ज्यादा जरूरी है। हमारी टाइमिंग बिल्कुल स्कूल की छुट्टी के टाइम हुई और बच्चे ऐसे खुश हो रहे हैं ना, आवाज ही नहीं आ रहा है करे। कौन कर रहा है? तो ये टाइम सबके साथ ऐसा होता है, जब हमें भी छुट्टी होती थी तो हम ऐसे खुश होते थे कि जाल से निकल गए, बाहर जेल में अंदर थे तो 4-3 बजे बाहर निकल गए। स्कूल टाइम बहुत ही यूनिक होता है, कोई बहुत ज्यादा मेमोरीज होती है। मेरी तो खुद भी बहुत ज्यादा मेमोरीज है स्कूल से ना। मैं इस वाले स्कूल में ही पढ़ा हूँ, ये जो सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल है ना, 8th से 10th, तो मैंने यहाँ 10th मतलब मेरी बेसिकली सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल से। कोई पूछ भी रहा था, और फिर +1 +2 मेरी KV जाखू से हुई है, केंद्रीय विद्यालय स्कूल से, और हाँ उससे पहले SPS शिमला पब्लिक स्कूल, इन्हें तो मेरे से भी ज्यादा स्कूल बन गए। उससे पहले फिर फैजाबाद चला गया था बॉय स्पोर्ट्स कंपनी ऑफ इंडिया में। मतलब बहुत सारी चीजें, सारे काफी सारे लोग बोलते है ना क्या किया, तो फिर क्या बोल सकते हैं, समय समय की बात है, अब क्या गिनाना आप लोगों को क्या किया। और बहुत सारी चीजें की अब जरूरी नहीं है सारी सक्सेसफुल होती है, जितनी हुई ठीक है, नहीं हुई तो फिर अपना कुछ नया भी करना पड़ता है। वो तो है, उस गम में नहीं रह सकते ना कि नहीं हुआ, आगे बढ़ना पड़ता है लाइफ में। तो आज एक सबसे अच्छी चीज ये है कि हमें गाड़ी की पार्किंग बहुत अच्छी जगह मिलेगी, वो भी एक भैया अपनी गाड़ी निकाल रहे हैं कितने टाइम बाद। उनका फोन आया था कि तुम्हारी गाड़ी बहुत बज चुकी है तो तुम हमारी जगह में लगा दो। लगा सकते हो, मैं निकल रहा हूँ तो अब, पर वो अभी पहुँचे नहीं है, ये है दिक्कत। पर चलो उन्होंने दया तो करी हमारे पे, नहीं तो वैगनार तो इतनी बजा दी है ना लोगों ने। सही बात, जान के ही बजाते हैं, क्योंकि इतनी साइड में लगाए तब भी उसमें मार ही देते हैं जैसा। अब क्या करें यार, अब हम भी मजबूर है, अब दिक्कत ही है ना, येलो लाइन लगा दी हर जगह। हाँ। और पार्किंग अलॉट भी कर दी है सबको, तो है। अब इतनी गाड़ियां हैं, कितनों को पार्किंग अलॉट करेंगे, बाकी लोग कहाँ जाएंगे। हाँ। जब तक ऊपर वाली पार्किंग नहीं बनती है तब तक हमें तो ऐसे ही एडजस्ट करना पड़ेगा। तो हम वेट करते हैं, मैं भी कर लेती हूँ, आपका टाइम पास हो जाएगा। चलो वेट तो करना ही पड़ेगा, पता नहीं और कोई ऑप्शन है नहीं। पर चलो अच्छी चीज है ना, मिल तो गई, पर अभी फिलहाल तो यही। अभी तो शिवम उज्जवल की कॉल भी नहीं आई है, उन्होंने भी आना है, अभी तक कोई पार्किंग नहीं मिल रही है। तो हम लोग भैया से थोड़ी सी सब्जी और फ्रूट्स लेके जा रहे हैं, क्योंकि गांव से आए हैं तो कुछ भी फ्रूट नहीं है, कोई भी सब्जी नहीं है। तो आज भैया के पास देखो कितनी सही सप्लाई आई है, इतने सारे केले इनके बिक जाते हैं, क्योंकि साथ में 2-1 जिम है। तो ये देखो वाटरमेलन, मस्कमेलन सारे आ चुके हैं। हाँ जी, बिकते भी सारे, शाम तक मिलते नहीं है। आप ना ये ले लो, मैं तब तक दूध वगैरह ले लेती हूं। ठीक है, अभी हम लोग घर पहुंचे ही थे, चेंज किया ही था, फिर पता चला कि लाइट है नहीं है और दोनों के फोन में बैटरी भी नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है, अब थोड़ा वेट करना पड़ेगा लाइट आने का। आई होप आपको मेरी कटिंग अच्छी लगी हो। तो दाढ़ी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं थोड़ी बहुत बढ़ा रहा हूं, तो मैंने भाई को बोला भी था कि मैं साइड से काट लेता हूं, सिर्फ ये वाली रखता हूं। तो उन्होंने कहा कि अच्छी लग रही है, फिलहाल के लिए रख लो, फिर कुछ टाइम बाद देखते हैं कैसा बनता है। मैं कहा चलो फिर कुछ नया ट्राई किया जाए, सेम सी लुक क्या रखनी है, तो आई थिंक अच्छा ही लग रहा होगा। तो अभी थोड़ी देर वेट करते हैं लाइट का, क्या कर सकते हैं, कोई और ऑप्शन तो है नहीं, क्योंकि बैटरी है नहीं है, बिना बैटरी के ब्लॉग बनेगा नहीं। हॉस्पिटल से आने के बाद हम लोग ऐसे ही रेस्ट कर रहे थे, नींद तो क्या ही आनी थी,
पर अक्षय की तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई, उनको उनका पेट खराब हो गया, शायद वो छोले भटूरे जो खाए थे वो उनको डाइजेस्ट नहीं हुए अच्छे से। फिर मैं भी उनके साथ ऐसी बेड पे पड़ी थी पर मेरे को नींद नहीं आई, मैं सोचा कि उठ के चाय बना लेती हूँ क्योंकि हल्की सी हेडेक हो रही थी। अक्षय को भी पूछती हूँ अगर उनकी तबीयत थोड़ी ठीक है तो उन्हें चाय देती हूँ, नहीं तो उन्हें सोने देती हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वो बार वो वॉशरूम गए हैं और अब हल्की सी पेट में भी दर्द बता रहे थे। तो वैसे मैंने नमक चीनी का घोल उन्हें दिया है, वो भी अच्छा रहता है। बाकी एक बार ही पूछ लेती हूँ अंदर जाके, अगर थोड़ा सा अच्छा फील करे होंगे तो चाय पियेंगे। कैसा लग रहा है अब? बहुत बढ़िया, शायद छोले भटूरे या फिर ठंड भी लग जाती है ना तब भी स्टमक थोड़ा अपसेट हो जाता है, हो जाता है ये। तो फिर एकदम थोड़ी देर के लिए तो मुश्किल हो गया था। मैं दीदी का फोन आ रहा हूं, उनको वापस। हाँ, उनसे बात कर लो। तो भाई इवनिंग टाइम हो चुकी है, लाइट आ चुकी थी, फोन हो चुके हैं चार्ज और आप देखो सामने हो रहा है ब्यूटीफुल सा सनसेट। और उज्जवल भाई ने अभी हम लोगों को बाहर बुलाया है, उज्जवल भाई भी आ चुके हैं। नेहा आवाज आ गई थी? हाँ, नेहा ने मुझे उठाया, बोला कि बाहर शिवम उज्जवल आए और वो बेल बजा रहे थे तो मैंने सोचा मिल लेते हैं। क्योंकि मेरे को नींद तो आने दी थी इसी थोड़ी सी, मैंने कहा चलो उठ जाते हैं, पर अच्छी अच्छी फ्रेश हवा लगी है। एक चीज है यार, देखो दिन में कितनी धूप होती है और अभी अभी ना हल्की ठंडी हवाएं शुरू हो जाती है, इन्हीं हवाओं के कारण बीमार होते हैं। मम्मी से बात करी थी, गांव में तो ओले और बारिश लगी है, वहां तो चूल्हा भी जला है। Oh my God. कीट में? अच्छा, मैं सोचा स्प्रे किया है हम लोगों ने। हेलो जुवाई, कैसे हो? व्हाट ए सरप्राइज मैन, यार सॉरी उज्जवल, माफी चाहेंगे हम आपसे, थोड़ा सा रेस्ट कर रहे थे तो जब पता चला तब हम आ गए। और सुनाओ उज्जवल भाई, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड। कैमरा, अरे कैमरा है वहां, कैमरा लोग कर रहा है बाकी कुछ नहीं। और आपका अचानक से प्लान बन गया ऐसा कैसे? चंडीगढ़ से, मैंने वो गलत देखी फिर स्टोरी, मेरे को लगा पिछले गल आ गए होंगे, ये गांव गए होंगे जैसे। नहीं नहीं नहीं। हेलो शिवम, मैं भी मिल लेता। हेलो गाइस, कैसे हो? आपकी बेल्ट लटकी है। बेल्ट थोड़ी सी खाना खाने के कारण आपकी बेल्ट थोड़ी सी थोड़ी सी बेल्ट बाहर आ रही है खाना खाने के कारण, ठीक नहीं लग रहा। सनसेट हो गया यार, मुझे टेरेस जाना था। मेरे को ये बताओ कि आप लोगों का अचानक से कैसे प्लान बन गया? यार थोड़े काम थे यहाँ पर, गाँव का भी कुछ प्लान है हमारे। अच्छा, गाँव भी जाना है? गाँव भी जाना है। चलो बढ़िया बढ़िया, हम लोग गांव से आए हैं। अभी हमने जाना है, बोलो। ये तो चलो चला ही रहता है, नीचे चंडीगढ़ जा रहे हो? ना अभी तो नहीं प्लान है, पर अगर कोई बुलावा होगा तो बुलावा क्या, साथ ही ले जाएंगे। ये तो पूछो, ये हाँ, ये क्या लेके घूम रहे हैं हम? अच्छा, ये क्या है? लक्ष्मण जी का क्या बोलते हैं, बेसन। वाओ, थैंक यू। स्पेशल आता गुड़ वाला, वो ला रहा था मैं। सो स्वीट ऑफ यू, सच अ लवली थिंग। वैसे कोई गुड न्यूज़ तो नहीं देने वाले आप लोग? क्यों? तो तू पहले मिठाई ले आया, लगता है डॉक्टर उज्जवल ही है, MBBS करके आया उज्जवल अभी। चलो ठीक है, खुशी के इसमें है तो बढ़िया मिठाई बांटेंगे हम। हाँ बिल्कुल यार, जरूर जब भी होगी खुशखबरी तो उज्जवल। हाँ, लड़की की नहीं, उज्जवल का क्या पता कोई काम बन रहा हो। अरे तू उसी के लिए तो नहीं लाया ये मिठाई? वो अभी थोड़ा, अच्छा है ना, कहीं हम रिकॉर्ड कर रहे और पूछा है नहीं है कि भाई देख क्यों रहा है। तो भाई अभी देखो लाइट आई नहीं है, फिर से चली गई है। तो ये देखो आप किस तरह से लग रहा है विकास नगर, दुकान में भी मेरे ख्याल से मोबाइल की लाइट से ही सामान दिया जा रहा है। तो फिलहाल हमने सोचा कि अपने स्टेप्स पूरे कर लेते हैं और थैंक्स टू शिवम भाई, मैंने अपने लोगों को भी सबको आदत डलवा दी और ऐप भी बता दी कि ये ऐप है, शिवम ने बताई है। तो अपने कदम पूरे कीजिए, पिछले कल मेरे पूरे नहीं हुए थे, मैं यहाँ के पूरे हो गए। अच्छा। तो वो सो गई और मैं भाई पूरे करने के चक्कर में, अब वो अच्छा नहीं है और वो अच्छा नहीं लगता, वो ग्रीन ग्रीन होता ना और उसमें वो लाल सी लाइन दिख जाएगी, ऐसा लगता है आज का टारगेट आ गई भाई, आगे आगे। अरे ये तो अच्छा हो गया हमने बात कर दी। और हाँ जी, क्या हुआ जब से मैंने चलना शुरू किया ना, मेरा पेट नहीं बढ़ा उसके बाद से, जब से मैंने फ्रीक्वेंटली सेम 75 और मेरा बल्कि 1 किलो, नेहा का 2 किलो कम भी हो चुका है। और आई एम नाउ नियर अबाउट माई टारगेट, जितना मेरे को चाहिए था, मतलब मैं 1-2 kg ज्यादा था उससे, अब नाउ इट्स गुड। नहीं अच्छी आदत है, चलोगे तो आपकी ना पूरी बॉडी ठीक रहेगी और सबसे इम्पोर्टेंट आपका हार्ट ठीक रहेगा। एक हार्ट एक ऐसी मसल है जो चल के स्ट्रॉन्ग होती है, बिल्कुल चलते रहो भाई, बहुत जरूरी है। और शिवम ने ही हमें बताया कि हम तो चलते थे ना पर रिकॉर्ड नहीं होता था, या घड़ी पहनना तो भूल जाते हैं, मोटिवेशन नहीं मिलती है। हाँ, अरे घड़ी में ऐसा होता है ना, बार बार चार्ज करनी,
और वो आधे टाइम तो डैडी होती है, तो मोबाइल ऐसा जेब में ही तो होता है, साथ में देखते रहो तो सबके लिए फिजिकली फिट रहने के लिए भी अच्छी चीज़ है और मोटिवेशन मिलती रहेगी। तो इससे अच्छी चीज क्या हो सकती है। तो चलो हम वॉक कर लेते हैं। ओ भाई वॉक करते करते हमें हमारा फ्रेंड मिल गया। देखो कैमरा तेरे ऊपर कैसे है। दो मिनट रुको, कैमरे में इतना ऐसा दिख रहा है भाई, जब ये सामने से चल के आया ना भाई, मैं डर गया इसको देख के। कैमरे में तो दिख ही नहीं रहा है, वैसे बहुत बड़ा है ये। तो तुझे कैसे, तेरे ऊपर आया है? नहीं ऐसे आ रहा सामने से मुझे। अच्छा सामने से है। पहले मुझे लगा घास इसी तरह, जब मैंने देखा इसकी टांगे भी है भाई, पहले मेरा इंसेक्ट्स के साथ थोड़ा सा अच्छा नाता। इसको फेंक देते हैं साइड में, मैं फेंकता हूं। वाह यार ये चॉकलेट बहुत अच्छी है, थैंक्स टू ज्योति का, स्पेशली कनाडा से ले गए ये। हाँ। तो अभी जब घर आई थी हमारे, जब लक्ष्य के पापा के यहाँ पे पार्टी थी तो फिर दिया था थे वो। हाँ। और हम लोग गांव चले गए थे, खा नहीं पाए थे। मैंने ऐसी रखी थी, मुझे याद आई यार चॉकलेट है, पर ये बहुत टेस्टी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू ज्योति का, बहुत ही मजेदार चॉकलेट, मजा आ गया। वैसे अक्षय खाते नहीं है पर इन्होंने भी टेस्ट नहीं, अच्छा है। और ऐसा है ना, साइज वाइज बहुत बड़ी भी नहीं है, ऐसा भी नहीं खा सकते। ये 24 पीस अलग अलग, सारी अलग अलग, क्या बात है। तो अब हम जा रहे हैं छोटे चाचू चाची के घर, क्योंकि हमें थोड़ा सा काम है और फिर अभी ऊपर चलते पहले ना। ठीक, चाचा चाची के घर आ गए। चाची कैसे आप? ठीक है बेटा, बढ़िया बढ़िया। अभी आप लगता है ऑफिस से पहुंचे ही पहुंचे है ना। मुझे चाचू की टोपी बड़ी अच्छी यही मैं पूछ रहा था, मैंने आते यही पूछा कि मैंने कहा आपको आज कहीं गेस्ट बुलाया था क्या? हाँ जी, प्लान बन गया। हाँ, प्लान बन गया। तू ये अच्छा सर पे ही रहेगी ना ना, ये आने का नहीं, गांव से आने का। हाँ जी हाँ जी, इट वाज नॉट एक्सपेक्टेड कि हाँ जी सो अर्ली। चलो आप आए, अच्छा लगा। थोड़ा खाली खाली हो गया था पूरा। बिल्कुल पापा, आज हमें खुद फील हो रहा था, हम दो ही थे। तो मैं ये सोच रहा कि यार लॉक लगाया ना हमने गेट पे, तो हाँ। खोला भी नहीं था किसी ने जब तक हम वापस नहीं आए। हाँ। तो मैं कहा कोई ना अभी अंदर आया है, मैंने कहा ना कोई बाहर आया है। तो आप सही बोल रहे हैं कि आप लोगों को तो और भी खाली खाली लगता होगा। हाँ चलो, कैसा रहा गांव का ट्रिप, कैसा रहा आपका? बहुत बढ़िया, हम बल्कि आपके नए जहां घर बन रहा है पुराने गांव में, वहां भी गए थे। पूरा दिखाया। लास्ट टाइम मैंने अभी नीचे से देखा तो जब पहले गए थे ना तो सिर्फ वो पिलर डाल रहे थे, अब तो पिलर भी डल गए, अब लेंटर की तैयारी थी शायद उनकी। हाँ तो बड़ी एक्साइटमेंट थी, तूने तो सारा दिखाया मेरे को ना, बड़ी एक्साइटमेंट थी। मतलब मैं अभी देखूं जरा गांव में, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और बिल्कुल नक्शा चेंज हो गया है अब वहां जाके ना, ऐसा लगता है कि बहुत ओपन स्पेस है और दूर से ही एक अलग सा दिखता है कि भाई कोई नया प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है। बहुत अच्छा और है। काफी अच्छा बन रहा है। बेटा घर होना चाहिए अच्छा। इनफैक्ट हमारा घर जो है ना दुईना में, वो जो है ना फेस ऑफ द दुईना, वो बिल्कुल सामने सबसे पहले हमारा। हाँ, वही पीछे दिखता है। बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा चेंज तो हो गया सारा सिनेरियो ही चेंज। नहीं बहुत अच्छा हो गया पापा। और हम तो इंतजार कर रहे हैं कि कब जैसे वो कंप्लीट करे और वहाँ पे हमारा फैमिली गेट टुगेदर हो, क्योंकि मेन तो वो है कि जब सब लोग वहाँ पे आएंगे और इस चेंज को देखेंगे तो सबके लिए बहुत नया चेंज रहने वाला है। चेंज तो ड्रास्टिक चेंज है बहुत ज्यादा पापा, कभी सोचा भी नहीं था ना हमने ऐसा। और काफी टाइम से आप कोशिश भी कर रहे थे, और ऐसी जगह में जहाँ आप मतलब छोटा सा एरिया नहीं डेवलप कर सकते, वहाँ इतना बड़ा एरिया बहुत बन गया। तो बिल्कुल बिल्कुल नहीं, आपने बहुत अच्छा किया। तो हम लोग वापस घर आ चुके हैं और डिनर की तैयारी हमारी हो चुकी है। शिवम उज्ज्वल आए तो हमने सोचा उनको भी डिनर पे बुला देते हैं, अब जाके क्या बनाएंगे वो लोग भी। तो अब मैं सोच रहा हूँ इस ब्लॉग को भी यहीं पे ही खत्म करता हूँ। तो अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आज के ब्लॉग को लाइक शेयर, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहे अक्षय दिलीप ब्लॉग्स, जुड़े रहे अगले ब्लॉग्स के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।